लॉकडाउन लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि जान है तो जहान है। लोगों ने इस बात को समझा भी, सबको मालूम था कि अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, लेकिन कुछ ही दिनों में सवाल ये उठने लगा कि नुकसान आखिर कितना और नुकसान आखिर कब तक। और अब देखिए जो सबसे भयावह स्थिति है वो ये कि रिजर्व बैंक ने इस बात की तस्दीक की है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा भी की गई। कोरोना आया तो बचाव में घरों के दरवाजे बंद हो गए, लोग घरों में बंद हुए तो कल कारखानों पर ताले लग गए, उत्पादन ठप पड़ गया। अब फैक्ट्रियों को खोलने की इजाजत मिली तो मजदूर नहीं मिल रहे हैं। हम डे टू डे प्रयत्न कर रहे हैं हमारी फैक्ट्री चालू हो जाए, लेकिन अभी आप देखिए हमारी फैक्ट्री चालू नहीं हो पाई। हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, लेबर को समझा रहे हैं और उनको समझा समझा के कह रहे हैं कि आप जब भी फ्री होंगे, जब आपका लॉकडाउन सारा भारत में खत्म हो जाएगा, स्मूथली जब आना जाना हो जाएगा, उस टाइम पे हम आपको भेजेंगे। हमारे यहाँ पे 500 आदमियों की जरूरत है और 500 आदमी से अगर हम सोचेंगे 400 आदमी में प्लांट चल जाए वो संभव नहीं है। मेंटेनेंस की जगह मेंटेनेंस का है, टेक्निकल की जगह टेक्निकल का आदमी चाहिए, इलेक्ट्रिकल की जगह इलेक्ट्रिकल का आदमी चाहिए। अप्रैल के महीने में ऑटो सेक्टर में कमाई धमाई नील बटे सन्नाटा। मार्च में औद्योगिक उत्पादन का इंडेक्स 17% लुढ़क गया। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान बिजली की खपत 16% गिर गई और रुपया मार्च से लेकर अब तक डॉलर की तुलना में 4% गिर गया। विदेशी निवेशकों ने अपने पांव पीछे खींच लिए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो उनमें भारतीय बाजार भी है। इस बीच ये जरूर हुआ है कि कच्चे तेल की कीमत में 45% तक गिरावट आई, जिससे सरकार जरूर राहत का अनुभव कर रही है, लेकिन 2 महीने की बंदी ने देश के उस सपने को वक्त की मुट्ठी में बंद कर दिया है। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है। शुक्रवार को रिजर्व बैंक के गवर्नर अपना बही खाता लेकर हिसाब बताने आए तो हिसाब कम सरकार का दुखड़ा ज्यादा था। The combination of fiscal, monetary and administrative measures being currently undertaken both by the government and the RBI would create conditions for a gradual revival in activity in the second half of 2021. Nonetheless, downside risks to this assessment are significant and contingent upon the containment of the pandemic and quick phasing out of social distancing and lockdowns. Given all these uncertainties, GDP growth in 2021 is estimated to remain in the negative territory, with some pickup in growth impulses in H2 2021 onwards. रिजर्व बैंक को ये डर सता रहा है कि 2020-21 के वित्तीय वर्ष में जीडीपी निगेटिव रहेगी, कारण यही कोरोना। महंगाई नियंत्रण में आएगी या नहीं ये साफ नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक मानता है कि पूरी दुनिया ही मंदी की तरफ बढ़ रही है। देश के 6 बड़े औद्योगिक राज्य मोटे तौर पर रेड या ऑरेंज जोन में हैं, जिनका औद्योगिक उत्पादन में 60% योगदान है। जिन राज्यों पर कोरोना की मार सबसे ज्यादा पड़ी, उन राज्यों के लिए पहले लॉकडाउन मजबूरी थी, अब बाजार और कल कारखाने खोलने की मजबूरी है। इसलिए तमाम राज्यों ने कोरोना के फैलने का जोखिम उठाते हुए भी बाजार खोल दिए। कोरोना के साथ अब अपने को अपनी जिंदगी चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना भी रहेगा और अपनी जिंदगी भी चलेगी। लॉकडाउन परमानेंटली नहीं रह सकता। 1.5-2 महीने जो लॉकडाउन रहा, इस समय का हम सब लोगों ने, दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां करने के लिए इस समय का इस्तेमाल किया। अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है। दिल्ली सरकार ने कई सारी चीजों को खोलने का, लॉकडाउन में ढील देने का निर्णय किया है। इस बीच राज्यों का दबाव केंद्र पर ज्यादा से ज्यादा पैसा पाने के लिए रहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने राज्यों को 17,000 करोड़ रुपए की मदद की थी,
केंद्र ने सेंट्रल टैक्स और ड्यूटीज में राज्यों के हिस्सेदारी के करीब 46,000 करोड़ रुपए जारी किए, जो कई महीने का इंस्टॉलमेंट था। केंद्र ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए भी जारी किए। साथ ही राज्य सरकारों के कर्ज लेने की सीमा को जीडीपी के 3% से बढ़ाकर 5% तक कर दिया गया। लेकिन बड़े संकट का हवाला देकर राज्यों ने हर बार अपना दुखड़ा रोया, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। बिना राज्य सरकारों के सहयोग से तो कोई देश चल नहीं सकता। विकास तो राज्य सरकारें करती है राज्यों के अंदर, उनकी इकोनॉमी की कोई स्थिति बनी कोई कल्पना नहीं कर सकता, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो। तो भारत सरकार को जितनी मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया है प्रधानमंत्री जी के साथ में, हमेशा हमने ये कहा है कि आप राज्यों को क्या किस रूप में आप सहयोग करना चाहते हैं, किस प्रकार इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, किस प्रकार लोन की जो सीमा होती है जीडीपी की 3% उसको 5% कीजिए, जो कर्जे चुकाने होते हैं उनको मॉनिटरिंग कीजिए 6 महीने के लिए। गाइडलाइन तो भारत सरकार की है, उसका हम पालन कर रहे हैं। और यही हमने कहा था कि रेड जोन ग्रीन जोन ऑरेंज जोन तय करने का अधिकार, और उसमें चाहे औद्योगिक गतिविधि है व्यावसायिक गतिविधि है, संचालित करने का अधिकार राज्य सरकार को मिलना चाहिए, ये हमारी डिमांड। इस बिगड़े हालात में राहत की एक तिजोरी पिछले 12 मई को खुली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद किया तो दूसरी तरफ 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है, 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। लॉकडाउन ने बेरोजगारी का खतरा बढ़ा दिया है, क्योंकि अप्रैल में ही 91% से ज्यादा छोटे कारोबारियों और मजदूरों का काम धंधा बंद हो गया, 18% से ज्यादा कारोबारियों के कामकाज ठप पड़ गए, कंपनियों में काम करने वाले 17% से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। पिछले साल मई में बेरोजगारी दर 7.03% थी, जो इस साल मार्च में 8.74% थी, लेकिन अप्रैल बीतने तक ये 23.52% तक पहुँच गई। जबकि विपक्ष का कहना है कि आर्थिक पैकेज में आम लोगों के लिए कुछ है ही नहीं। आज तक ब्यूरो।